हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने पर, है ना। कल हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिया था और आज हम बनाएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा क्या प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल व उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनाना, प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। और इसमें भी हम पहले हेडिंग डाल रहे हैं किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा हम क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कल मैंने डिस्कस किया था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या है हमारे पास नियम है। तो हम पहले थोड़ा सा उन नियमों को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या नियम थे हमारे पास। पहला नियम क्या था कि ये मान लो हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है ना। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। और ये जिस गोले में से काट कर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, और दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। कल पहला नियम क्या था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। यह हमारे पास क्या था, पहला नियम था। दूसरा नियम मैंने क्या बताया था कि ये मान लो हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। यदि कोई किरण कहाँ आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, तो वो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है जितने कोण पर वो आती है। ये दूसरा नियम पढ़ा था। तीसरा हमने कल क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ये मध्य बिंदु क्या है इसका, ध्रुव है, और जिस गोले से काट कर बनाया गया है वो उसका केंद्र वक्रता केंद्र, और बीच में क्या है, फोकस बिंदु। यदि कोई किरण कहाँ आ रही है, फोकस वाले मार्ग में आ रही है, तो ये इससे टकरा कर क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। और चौथा नियम क्या बताया था मैंने कि ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इसको जिस गोले में से काट कर बनाया गया है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। यदि कोई किरण किस में आ रही है, वक्रता केंद्र वाले मार्ग में आ रही है, तो ये यहाँ से टकराएगी और वापस इसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो ये चार नियम हम पढ़े थे। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं। अवतल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें मुख्यतः हमारे पास छह स्थितियां होती है, और उन्हीं छह स्थितियों के द्वारा हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और ये छह स्थिति को हम कैसे परिभाषित करते हैं, आप ये देखो। एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे उनमें इन किरण आरेखों का उपयोग करेंगे, इन्हीं की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो छह स्थिति पढ़ेंगे। देखो हम ठीक है, कितनी स्थिति पढ़ेंगे, छह। पहली स्थिति क्या होती है, किसमें, अवतल दर्पण में। देखो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब किसका बनता है, फिर मैं बता दूं वस्तु का बनता है। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास दर्पण होगा उसके सामने हम क्या रखेंगे, वस्तु बनेंगे, वस्तु रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे हम किस में देखेंगे, दर्पण में, मतलब उसको हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं क्या, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये हमने क्या कर दी, इसमें पॉलिश कर दी। इसका मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। तो ये मध्य बिंदु हमने क्या ले लिया, ध्रुव ले लिया। ये पहले गोला था तो गोले का क्या होगा, हमारे पास केंद्र होगा। ये केंद्र क्या मान लिया हमने, वक्रता केंद्र मान लिया। और दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है हमारे पास वो क्या है, मुख्य अक्ष है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को, सॉरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब पहली स्थिति है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत का मतलब होता है बहुत अधिक दूरी पर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ रख देते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये बहुत अधिक दूरी पर है और ये वस्तु ए और ये क्या मान लेते हैं, ए भी एक क्या है, वस्तु है। ये भी क्या है हमारे पास, वस्तु है। ये कुछ भी हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, ठीक है, ये पिन हो सकती है, कुछ भी हम ले सकते हैं, है ना, जिसका हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है हमें, ये जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, ये किरण आरेख होते हैं। किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं हम प्रतिबिंब, प्रतिबिंबों को, किरण आरेख के द्वारा। तो ये नियमों का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं हम, मेनली पहले और दूसरे का है उपयोग करके बना सकते हैं, बाकी हम कोई सा भी काम में लें, एक ही बात है ना। तो सबसे पहले मैं पहला नियम ले लेता हूँ। देखो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, तो वो ये दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो देखो ये वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु का निम्नतम बिंदु है और ये वस्तु का क्या है, उच्चतम बिंदु है। इन बिंदुओं से क्या निकल रही है, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें देखो ऊपर वाले बिंदु से भी निकल रही होगी, नीचे वाले बिंदु से भी निकल रही होगी, बीच में से भी निकल रही होगी, बहुत सारी। लेकिन आपको करना क्या है, किरण आरेख बनाने के लिए या प्रतिबिंब को समझाने के लिए दो किरणें लेनी है, केवल दो किरणें, है ना। तो देखो मैंने एक तो ले ली, ऊपर से जा रही है इस वस्तु में से निकलकर, और कैसी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, और नीचे से भी कैसी जा रही है, मुख्य अक्ष के क्या जा रही है, समांतर जा रही है। ये दोनों किरणें कैसी जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है। प्रतिबिंब की मैंने परिभाषा पढ़ाई थी, क्या होती है कि परावर्तन के पश्चात जहाँ किरणें मिलती है वहां क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अभी परावर्तन हुआ नहीं, परावर्तन के पश्चात ये किरणें जहां मिलेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अगर ये नियम लगाएं, मुख्य अक्ष के समांतर किससे जाएगी, फोकस से। ही देखो ये किरण किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। यहां से भी ये टकराएगी तो ये किससे जाएगी, फोकस से। ये कौन सी किरण है, ये वाली परावर्तित। ये भी कौन सी है, परावर्तित। परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही है, ये देखो इस बिंदु पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, यानी कि इस पर हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है। इस बिंदु पर क्या मिलता है हमें, प्रतिबिंब मिलता है। यानी कि जो वस्तु ए बी थी वो अब कैसी दिखाई दे रही है, छोटी सी दिखाई दे रही है। और छोटी सी भी कैसी दिखाई दे रही है, बिंदुनुमा दिखाई दे रही है।
एक बिंदु पर दिखाई दे रही है। कौन से बिंदु पर? फोकस बिंदु पर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यानी ये वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति बताते हैं। तो देखो F पर बन गया, अब ये बताना है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा या आभासी। देखो कैसे पहचानते हैं, जब किरणें वास्तविक रूप से मिलती है तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यहां से किरणें आई सीधी टकराई, यहां से किरण आई सीधी टकराई, सीधी सीधी ये क्या हो गई? मिल गई, वास्तविक रूप से मिल रही है ये, कहीं हमने पीछे की ओर इन्हें नहीं बढ़ाया। तो जब किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं तो ये कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक होता है। तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब, ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब देखने में कैसे होते हैं? मैंने कल भी बताया था, उल्टे होते हैं। यानी कि ये वस्तु कैसे दिखाई देगी? छोटी सी बिंदु नुमा लेकिन उल्टी दिखाई देगी। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा का मतलब वस्तु तो इतनी बड़ी है और बन के प्रतिबिंब कितना सा बन रहा है? बिंदु। वस्तु से छोटा कैसा बिंदु नुमा बनेगा? वस्तु से छोटा यानी कि कैसा बनेगा? बिंदु नुमा बनेगा। ठीक है, तो ये पहली स्थिति है कि जब दर्पण हमारे पास यहाँ रखा हुआ है, इसके सामने हमने वस्तु रख दी बहुत अधिक दूरी पर, अनंत पर, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है? सेकंड स्थिति क्या आती है हमारे पास? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के क्या हो? मध्य हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के क्या हो? मध्य हो। देखो ये कैसे व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? हमने बनाया क्या? अवतल दर्पण। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या है? पॉलिश है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है हमारे पास? ध्रुव कहलाता है। पहले ये गोला था, जिस गोले से काट कर बनाया गया है वो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखनी है? देखो सी तो ये एरिया, और अनंत इससे पीछे कहीं पे भी चले जाओ वो अनंत या अधिक दूरी पर चले जाए, तो सी और अनंत इससे पीछे पीछे क्या है? अनंत। इसके और इसके बीच में कहीं भी रख दो। मान लो मैंने कहाँ रख दी? यहाँ रख दी। और इस वस्तु का नाम मैंने क्या दे दिया? ए बी दे दिया। क्या दे दिया वस्तु का नाम? ए बी दे दिया। अब वही नियम लगाएंगे कि जब वस्तु को हम दर्पण के सामने रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब देखेंगे हम समतल दर्पण में। जैसे हम वस्तु होते हैं और हमारे पास जो प्रतिबिंब बनता है वो हमें दिखाई देता है, यानी हमारा चेहरा किसमें दिखाई देता है? दर्पण में दिखाई देता है। सेम इसमें ये वस्तु दिखाई देगी, है ना? तो एक नियम पहला ही लगा लेते हैं कि उच्चतम बिंदु लेना है, ध्यान रखना। अब ये तो मुख्य अक्ष पर रखा है नीचे, तो आप केवल उच्चतम बिंदु से प्रकाश की किरणें मानोगे। अब जितनी भी कंडीशन है तो ये उच्चतम बिंदु है, इससे पहला नियम लगा लो कि एक किरण कैसी आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और ये दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, कम से कम दो नियम लगाने हैं। दूसरा लगा लो, अगर कोई किरण कहाँ आ रही है? ध्रुव पर, तो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है, वही उच्चतम बिंदु से
यदि कोई किरण कहाँ आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, तो वो उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब परावर्तित किरण देखनी है हमें। देखो, एक परावर्तित किरण तो ये है और एक परावर्तित किरण ये है। दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर आकर मिल रही है, यानी प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। लेकिन ये जो है हमारे पास बिंदु, अब वो अक्ष पर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम इसको किससे मिला लेंगे? अक्ष से मिला लेंगे। मिला लिया। अब ये देखो, वस्तु तो मुख्य अक्ष के ऊपर थी और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। ये इसका नाम दे देते हैं ए डैश और क्या बी डैश। कहाँ बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हमने किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। यहाँ से किरणें आई, यहाँ टकराई, यहाँ से आई, यहाँ टकरा के आ गई, है ना? तो कहीं भी हमने पीछे की ओर बढ़ाकर नहीं देखा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, ये बिंदु कहाँ आ रहा है हमारे पास? एफ और सी के बीच में। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब सी व एफ के क्या बनेगा? मध्य बनेगा। किरणें अपने आप ही टकरा रही है, तो क्या लिखेंगे हम? वास्तविक, ठीक है, कॉमा। वास्तविक कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। उल्टा व वस्तु से। देखो, ये प्रतिबिंब है हमारे पास, इसकी ऊंचाई देखो इतनी है, जबकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। वस्तु से कैसा बन रहा है? ये छोटा बन रहा है। वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा हमारे पास? छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के क्या हो? मध्य हो। और एक बात और ध्यान रख लेना, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। और ये कैसा दिखाई देगा? छोटा दिखाई देगा, है ना? तीसरी स्थिति क्या होती है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। किसके द्वारा पढ़ रहे हैं हम? वही अवतल दर्पण के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। तो ये हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ये पहला गोला था, तो गोले का जो केंद्र था हमारे पास, वो वक्रता केंद्र था सी। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है हमारे पास? फोकस बिंदु होता है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। मैंने इस वस्तु को रख दिया यहाँ पर, वस्तु का नाम दे दिया ए बी। देखो, किस पर रख दिया? सी पर। कहाँ? पहले सी से इधर थे। वस्तु को किसके पास खिसकाते ले जा रहे हैं हम? दर्पण के पास। तो कहाँ लिया है वो? हम सी पर लिया है। इसके बाद हम और आगे ले जाएंगे, है ना? अभी तो कहाँ लेके आए हैं? सी पर लेकर आए हैं। अब वही दो नियम लगा लो आप, जो आसानी से बन जाए। पहला क्या? उच्चतम बिंदु लो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और दूसरा नियम क्या है? कि यदि कोई किरण कहाँ आती है? ध्रुव पर आती है, तो जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। ये आ रही थी, ये इतने ही कोण पर क्या हो गई है? परावर्तित हो गई। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं। तो देखो, ये परावर्तित आई और ये परावर्तित, एक ये परावर्तित थी, एक ये यहाँ मिल रही है हमारे पास, है ना?
और इसको हम किससे मिला लेते हैं, इस ऊपर से मिला देते हैं। अब ये देखो, ये मुख्य अक्ष कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ये बिंदु। तो जब भी नीचे की ओर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारे पास, उल्टा बनेगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रतिबिंब। इसका नाम धर देते हैं ए डैश और क्या बी डैश। देखो तीर का निशान ऊपर था, तीर का निशान नीचे है, यानी कि जो वस्तु सीधी थी अब वो कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। तो प्रतिबिंब वस्तु जहां वक्रता केंद्र पर रखी है, तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पार बनेगा। क्या हमने किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया, अपने आप ही आई और टकरा गई और मिल गई। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वह वस्तु के क्या बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वह वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तीन स्थिति हो गई। अब देखो, पहले वस्तु अनंत थी, फिर हम सी के पास लाए, फिर हमने सी पर रख दी। देखो सी के पास लाए, फिर सी पर रख दी। अब सी से आगे ले जाएंगे तो ये किन दो के बीच में आएगी, सी और एफ के बीच में आएगी। तो अगली स्थिति हम यही पढ़ रहे हैं क्या, कि जब वस्तु सी व एफ के क्या हो, मध्य हो। जब वस्तु सी व एफ के क्या हो, मध्य हो। तो सबसे पहले हम वही क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ये कौन सा बिंदु होता है हमारे पास, वक्रता केंद्र होता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में फोकस बिंदु होता है। इसे हम प्रूव भी करेंगे कि बीच में कैसे होता है, ये ना अभी आगे। अब वस्तु को कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया क्या, ए और बी। अब आप वही क्या बनाओगे, प्रतिबिंब बनाएंगे हम, और वो ही दो नियमों का, पहले इनका भी कर सकते हैं लेकिन अब बार बार इनका कर रहे हैं तो आसान हो जाता है ना बनाना। तो पहला नियम लगा लो, उच्चतम बिंदु से एक किरण मान लो ये ऐसे जा रही है सीधी, मुख्य अक्ष के क्या जा रही है, समांतर जा रही है। और ये जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर निकलेगी, फोकस बिंदु से होकर निकलेगी। दूसरा नियम, यही उच्चतम बिंदु से मान लो एक किरण कहाँ आ रही है, ध्रुव पर, तो ये ऐसी की ऐसी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और ये यहाँ पर मिल रही है इस बिंदु पर, इसको अक्ष से मिला लो, इसका नाम धर दो ए डैश और ऊपर क्या धर दो, बी डैश धर दो। तो परावर्तित किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो ये बिंदु क्या है, सी है, सी से इधर बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी से इधर बन रहा है तो हम लिखेंगे सी से परे बनेगा। प्रतिबिंब सी से क्या बनेगा, परे बनेगा। कैसा बनेगा, किरणें अपने आप मिली है तो बनेगा क्या, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टा। और देखो वस्तु हमारे पास अब छोटी है लेकिन प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, अब बड़ा हो गया थोड़ा। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगली स्थिति आती है क्या, जब वस्तु अभी सी व एफ के बीच में रखी थी, अब यहां ले आओ एफ पर। जब वस्तु एफ पर हो, एफ क्या है हमारे पास, फोकस बिंदु है। जब वस्तु कहां पर हो,
एफ पर हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही हमने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश। मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। ये बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, दोनों के मध्य में कौन सा बिंदु, फोकस बिंदु। अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है, और इसका नाम हमने दे दिया ए और बी, रख दिया। वही हम पहला नियम लगाएंगे और दूसरा नियम लगाएंगे। पहला नियम लगाते हैं, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, और ये दर्पण से टकराएगी तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम। दूसरा, इसी से ये किरण मान लो कहाँ आ रही है, ध्रुव पर आ रही है। तो जितने कोण पर आती है ये, उतने ही कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये दो हमें क्या मिल गई, परावर्तित किरण मिल गई, मिल गई। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों का मिलना आवश्यक है। क्या किरणें मिल रही हैं, नहीं मिल रही। अभी तक हमने किरणों को पीछे नहीं बढ़ाया था, हम इन्हें पीछे बढ़ाकर देखते हैं। परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया, भाई पीछे भी नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में हमने पहली स्थिति पढ़ी थी कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है, जब वस्तु फोकस पर होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर ही बनेगा, क्योंकि पीछे तो बड़े में पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहोगे कि प्रतिबिंब कैसा, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और वस्तु यहाँ रखी हुई अनंत बहुत अधिक दूर है, तो हम ऐसे बोलते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि पीछे हमने बढ़ाकर देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। वास्तविक, वास्तविक कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वह वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये कौन सी स्थिति होती है, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। और लास्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, अब ये फोकस से और आगे ले जाए तो ये तो ध्रुव बिंदु हो गया, और ये फोकस बिंदु कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो हम लिखते हैं, जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के क्या हो, मध्य हो। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के क्या हो, मध्य हो। तो हमने वही क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है, फोकस बिंदु होता है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में धरेंगे। ये हमने वस्तु को रख दिया, और वस्तु का नाम दे दिया हमने क्या, ए और बी दे दिया। वही नियम लगाओ। पहला नियम क्या है कि अगर किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। यदि किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, तो किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम लगाओ कि यदि कोई किरण कहाँ आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, तो वो उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब ये देखो, ये किरणें यहाँ तो मिल नहीं रही है, इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये आगे जाकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। आगे जाकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो हमारे पास इसको हम किससे मिला देते हैं, अक्ष से मिला देते हैं, और इसका नाम धर देते हैं ए डैश बी डैश। यानी कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य होती है, तो ये छोटी वस्तु
कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। और बड़ी भी कैसी? देखो, वस्तु कहाँ रखी हुई है? मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर। और प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है हमारे पास? मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, यानी कि सीधा बन रहा है। और वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा? तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन रहा है? देखो, पीछे बनेगा। अब बताओ, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा? अब आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि किरणें कहाँ मिल रही है? पीछे की ओर हमने बढ़ाई है। परावर्तित किरणों को बढ़ाते हैं, देखना रखना, पीछे की ओर। तो कैसा होगा? आभासी। और आभासी देखो सीधे हैं या नहीं है? ऊपर बन रहे हैं सीधे। आभासी सीधा व वस्तु से, आभासी सीधा व वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवतल दर्पण के द्वारा क्या बना लेते हैं? किरण आरेख बना लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बनाना? किरण आरेख बनाना। देखो, उत्तल दर्पण के द्वारा जब हम किरण आरेख बनाते हैं प्रतिबिंबों का, तो इसमें हमारे पास कितनी स्थिति हैं? दो स्थितियां हैं। किसके द्वारा बना रहे हैं हम? उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा बना रहे हैं हम? उत्तल दर्पण के द्वारा। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। पहली स्थिति तो क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। और दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के क्या हो? मध्य हो। ये दो स्थिति पढ़ते हैं हम किसमें? उत्तल दर्पण में, है ना? तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारे पास गोलीय भाग, जिसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव, जिस गोले में से काट कर बनाया जाता है। उस गोले का केंद्र, वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। दोनों के मध्य में क्या होता है? फोकस बिंदु होता है। इसमें भी हम बना लेते हैं क्या, कि हमारे पास ये गोलीय भाग, इसके दबे हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पॉलिश होती है। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। और ये क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष, और मध्य में कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब देखो, प्रकाश जो आपतित होगा वो किस साइड से होगा? उभरे हुए वाले से होगा, यहाँ से। और कहाँ से? यहाँ से, है ना? तो जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति है, तो ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। मान लो ये अनंत पर है, जैसे हमने किसमें पढ़ा था? अवतल दर्पण में, वैसे ही हम इसमें पढ़ रहे हैं। अब देखो, मैंने एक नियम पढ़ाया था, वैसे तो चार पढ़ाए थे, आप कोई से भी काम में ले सकते हो। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र। क्या बताया था मैंने? कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो परावर्तित होगी। तो कहाँ से आती हुई नजर आएगी? फोकस से। और एक हमने पढ़ा था, एक नियम हमने पढ़ा था, कि ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। यदि कोई किरण कहाँ आ रही है? ध्रुव पर आ रही है, तो वो उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी? परावर्तित। चार नियम पढ़ चुके हैं हम इसके, है ना? तो देखो, इसका जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत से किरणें आती है समांतर। तो हम ये मान लेते हैं ये किरण आ रही है समांतर, एक उच्चतम बिंदु से, जैसे पहले अवतल दर्पण में पढ़ा था, और एक निम्नतम बिंदु से। अब क्या होगा? देखो, पहला नियम क्या कहता है? कि अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो किरण क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है।
तो अगर ये ऐसे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये ऐसे आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या प्रतिबिंब बन गया? प्रतिबिंब नहीं बना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, जब किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिलती है तो फिर हम क्या करते हैं, इनको कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये परावर्तित किरण को हमने कहाँ बढ़ाया, पीछे की ओर बढ़ाया। इसको भी कहाँ बढ़ाया हमने, पीछे की ओर बढ़ाया। कहाँ मिलेंगी ये, फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। जब किरणें वास्तविक रूप से ना मिले तो किरणों को पीछे की ओर बढ़ाकर देखो, जहाँ किरणें मिल जाती हैं वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F पर बनेगा। अब बताओ वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा सा पता लग रहा है, किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाया है तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, देखने में कैसा होगा ये, क्योंकि पीछे की ओर बढ़ाया, आभासी हम जानते हैं, आभासी कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। आभासी सीधा, यानी वस्तु तो इतनी बड़ी है छोटी सी दिखाई देगी, आभासी सीधा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और छोटे को भी हम कैसे कह सकते हैं, बिंदु नुमा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा हमारे पास, बिंदु नुमा बनेगा। तो ये कौन सी स्थिति आ गई हमारे पास, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा। अब ये दूसरी स्थिति है, जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य हो। अब देखो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया अनंत। अब यहाँ पर कोई बिंदु आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। अब वस्तु अनंत पर तो हमने रख ली बहुत अधिक दूरी पर, अब आप वस्तु को यहाँ से कहीं पे भी रख दो, यहाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, केवल एक ही स्थिति बनेगी, किसमें, उत्तल दर्पण में, है ना। तो मान लो हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और इसका नाम दे दिया हमने क्या, ए बी। अब वही नियम लगाएंगे, पहला नियम क्या होता है, यदि किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है, ये देखो समांतर आ रही है, क्या होगा, समांतर आएगी तो दर्पण से टकराएगी और क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराएगी और क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, हो गई। दूसरा नियम क्या होता है, इसी से ही एक किरण हम मान लेते हैं कहाँ पर आ रही है, ध्रुव पर आ रही है, और ऐसे परावर्तित हो गई। अब बताओ प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। फिर हम क्या करेंगे, किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कौन सी किरणों को बढ़ाएंगे, परावर्तित किरणों को बढ़ाएंगे। तो ये देखो, ये किरण जब हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आती है एरिया, तो ये कहाँ मिलती है, फोकस बिंदु पर। ये तो हो गया हमारे पास फोकस बिंदु पर से आती हुई, इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ये पीछे की ओर, तो ये कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो यहाँ इसको मिलाया, अब देखो कहाँ मिल रहा है ये, ए डैश बी डैश, इसका नाम रख दिया, कहाँ बन रहा है ये प्रतिबिंब, एफ और ध्रुव के मध्य। हमेशा ये एफ और ध्रुव के मध्य ही बनेगा, चाहे वस्तु यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, है ना। तो क्या बोलते हैं हम, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ व ध्रुव के क्या बनेगा, मध्य बनेगा। प्रतिबिंब एफ व ध्रुव के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ाया है तो हम लिखेंगे आभासी बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी कैसे होते हैं, देखने में सीधा होगा, वस्तु बड़ी है बन छोटा रहा है, आभासी सीधा वह वस्तु से, आभासी सीधा वह वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इस तरीके से हम अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा क्या बना लेते हैं, प्रतिबिंब बना लेते हैं, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।